वेल ओके सो हाय गाइस, तो चलिए जी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है नेट मैकेनिक। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का BGMI के 2.2 अपडेट के भाई ब्रांड न्यू एपिसोड में। ये हमारा एपिसोड नंबर 3 है। आप लोगों ने एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 को काफी ज्यादा प्यार दिखाया है, तो मैं आप लोगों के लिए एपिसोड 3 जो है वो लेकर के आ चुका हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोग को एक से एक फीचर्स बताने वाला हूँ जो आपको आने वाले नेक्स्ट अपडेट यानी कि 2.2 अपडेट के अंदर देखने के लिए मिलेगा 100% कन्फर्म। जी हाँ, आप लोगों को 2.2 अपडेट के अंदर 2 ब्रांड न्यू कैरेक्टर भी देखने के लिए मिलने वाले। एंड यहां पे आप लोगों को हो सकता है कि भर के कैरेक्टर वाउचर भी फ्री में देखने के लिए मिले। इसका भी सारा लिंक दिखाऊंगा, साथ ही साथ आप लोगों का जो नया ब्रांड न्यू मैप आया है इसके बारे में भी काफी सारी अपडेट है, काफी सारी चीजें जो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। काफी सारे लोग बोलते हैं, कमेंट कर रहे थे कि आसिफ भाई गेम ही नहीं रहेगा तो हम अपडेट देखकर क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूंगा भाई, होप मत हारो। जी हां, चीजें चल रही है, आपका गेम जो है बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा भाई अगर आपको गेम चाहिए तो। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में। तो आप लोग जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आप लोग को ब्रांड न्यू 2 कैरेक्टर यहां पे देखने के लिए मिलता हुआ, एक का नाम है सूफिया और दूसरे का नाम है रिले। जी हां, ये सूफिया अंसारी को तो नहीं डाल दिया, तो यहां पे सूफिया कैरेक्टर एक फीमेल कैरेक्टर होने वाली, ऑब्वियसली आप लोग देख पा रहे हो। एंड रिले जो है वो मेल कैरेक्टर होने वाला, इसका आउटफिट वगैरह भी देख पा रहे हो दोस्तों, यहां पे सोल्जर टाइप का लग रहा है। एंड गर्ल कैरेक्टर का आप लोग देख ही पा रहे हो यहां पे, तो देख पा रहे हो दोस्तों इसका कुछ यहां पे अभी जो फर्स्ट लुक है वो कुछ इस तरीके का आपको दोनों कैरेक्टर का देखने के लिए मिल रहा है। तो देख पा रहे दोस्तों कुछ इस तरीके का होने वाला है। अभी इससे रिलेटेड मैं आप लोग को और भी कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, जी हां, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और भाई उम्मीद है दोस्तों कि इस बार ना आप लोगों को कैरेक्टर फ्री में ही देखने के लिए मिलेगा, कैरेक्टर वॉचर का कमाल का इवेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे रिलेटेड आगे भी कोई डिटेल आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग रिले का आप लोग देख पा रहे हो लेवल अप रिवॉर्ड में, यहां पे आप लोगों को लेवल 2 पे वॉइस पैक मिल रहा है इसका, उसका लेवल 3 पे आप लोगों को 50 कैरेक्टर वॉचर मिल रहा है, उसके बाद लेवल 4 पे कैरेक्टर शार्ड है, उसके बाद आप लोगों को एक इमोट मिल रहा है। जी हां, इमोट का भी दोस्तों यहां पे जो आप लोग बोलते हो टेक्सचर वगैरह नहीं आया। जी हाँ, इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को लेवल 6 पे फिर यहाँ पे वॉइस पैक है, एंड लेवल 7 पे आप लोगों को फिर से 100 कैरेक्टर वाउचर है, मतलब 150 कैरेक्टर वाउचर आप लोगों को लेवल अप रिवॉर्ड मिल जाएगा। इसका MVP इमोट वगैरह का जो एनिमेशन है वो अभी निकल कर नहीं आएगा, नहीं आया। जी हाँ, आने वाले टाइम में आएगा तो मैं आपको मेरी वीडियोज के थ्रू जरूर से बताऊंगा। जी हाँ, एंड सूफिया कैरेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को लेवल 3 पे 50 कैरेक्टर वाउचर, लेवल 4 पे कैरेक्टर शार्ट, एंड लेवल 5 पे आप लोगों को यहाँ पे इमोट भी है लेकिन ये इमोट का भी नहीं आया टेक्सचर। जी हाँ, एंड लेवल 7 पे आप लोगों को फिर से यहाँ पे 100 कैरेक्टर वाउचर देखने के लिए मिल जाएगा, और लेवल 5 पे आप लोग देख पर वॉइस पैक है, लेवल 8 पे यहाँ पे कैरेक्टर शार्ड वगैरह है। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे लेवल 9 पे फिर से वॉइस पैक है, MVP इमोट भी है जो कि अभी पूरी तरीके से निकल करके नहीं आया। जी हाँ, तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो वो 2 ब्रांड न्यू कैरेक्टर जो गेम के अंदर आप लोगों को 2.2 अपडेट के अंदर देखने के लिए मिलने वाला। तो अब बात करते हैं दोस्तों अपने ब्रांड न्यू मैप के बारे में जो कि नूसा मैप। जी हाँ, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ जो इसके जो फीचर्स थे वो मैंने आपको बताए थे, और मैंने आपको बोला था कि इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल आने वाले टाइम में प्रोवाइड करूंगा। तो इस नूसा मैप के अंदर दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इंटरेस्टिंग चीज डाला गया जो आज से पहले बिल्कुल नहीं डाला गया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने नहीं देखा होगा लिफ्ट, दोस्तों आप लोगों को नूसा मैप के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप यहां से अंदर की साइड जाओगे ना आप लोग मैप में देख सकते हो, और यहां पर जैसे आओगे तो यहां पर आप लोगों को लिफ्ट देखने के लिए मिलेगा, और यहां से आप जितने भी फ्लोर पर जाना चाहते हो, अगर दोस्तों आप लोगों का यहां पर फाइट हो रहा है आपके यहां पर टीममेट का, यहां पर आप लोग दिख जाएगा 7th फ्लोर तक आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप 7th फ्लोर पर यहां पर मारपीट हो रहा है आपके टीममेट के साथ, तो आप डायरेक्टली यहां पर 7th फ्लोर पर यहां पर जा सकते हो, उसके बाद डायरेक्ट आप फर्स्ट फ्लोर पे भी आ सकते हो, किसी भी फ्लोर पे जा सकते हो और भाई फाइट ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही तगड़ा चीज डाला गया है। जी हाँ दोस्तों, और काफी सारे लोग यहाँ पे आने वाले। इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है वो है दोस्तों फायरबोल्ट क्रॉसबो। जी हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मैंने बहुत पहले बताया था कि यहाँ पे एक क्रॉसबो आने वाला है, जिससे आप लोग ना यहाँ पे आप लोग देख पा रहे मैप में एक लोकेशन भी देखने के लिए मिलता है जो एक फायर क्रॉसबो है ना। जी हाँ, अगर आप उसको यहाँ पे लगा लेते हो, इक्विप कर लेते हो, तो भाई सामने में जितना झोपड़ा वगैरह है ना, अगर आप इसके ऊपर फायर करते हो तो देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोग को एक फ्लेम देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों क्रॉसबो के ऊपर। जी हाँ, और अब जैसे इसको भाई जो वो चलाओगे ना, तो अगर आप झोपड़ा के ऊपर मारोगे ना, जी हाँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फायर करके। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे झोपड़ी वगैरह देख पा रहे हो भाई, यहाँ पे पूरा घास फूस वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर एक फायर करूंगा ना, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये जो है ना ऑलमोस्ट दोस्तों इसको 10 सेकंड लगता है। जी हाँ, 5 to 10 सेकंड में ये ना जल जाएगा। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि पूरा जलने लगा, एंड यहाँ पे दोस्तों जल करके ना पूरे जो है वो खोखला हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, अंचर पंचर सब ढीला हो जाता है इसका, ठीक है। तो देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे पूरा जल गया ये जो झोपड़ा है भाई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसके अंदर बंदे रहे और अगर आप यहाँ पे भाई जो वो जला देते हो, मतलब मार देते हो भाई ये वाला फ्लेम वाला क्रॉसबो, तो भाई बंदे को भी बहुत ज्यादा गंदा वाला डैमेज होगा, हो सकता है कि बंदे भी यहाँ पे जो मर मुर जाए। जी हाँ, तो मेरे को एक कमाल का बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों लगा। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इस मैप के अंदर एक लोकेशन है जहाँ पे आप लोग को 8 बॉट मिलेगा। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे मैप में आप लोग को 3 बिल्डिंग है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे टोटल 4 बिल्डिंग आई थी, हाँ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप यहाँ
यहाँ पे इस बिल्डिंग में जाते हो ना, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ना एक तरीके से गार्ड के रूप में आप कह सकते हो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड आप यहाँ पे जाओगे तो आपको लूट भी अच्छा खासा मिल जाएगा, जी हाँ। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों, कि यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये जो बॉट मिलेंगे ना, वो भाई ऐसे वैसे बॉट नहीं होंगे। अगर आपके पास वेस्ट नहीं है तो भाई आप तो गलती भी मत करना इनसे फाइट लेने का, जी हाँ। आप लोगों के पास वेस्ट वगैरह होगा तो आप यहाँ पे फाइट ले सकते हो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कितना ये लोग भाई डॉच भी कर रहे हैं, बच भी रहे हैं, देख पा रहे हो दोस्तों कैसे मार रहा, मेरा एचपी को लो कर दिया, देख पा रहे हो। यहाँ पे मेरे को हील करना पड़ेगा, मैं इनसे फाइट लूंगा तो भाई मेरी तो लंका लगा देंगे ये लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों के पास यहाँ पे हेलमेट वेस्ट होना चाहिए, तभी आप लोग फाइट लोगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने आपको मार के भी दिखा दिया। तो यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आते हो तो आप लोग यहाँ पे बॉट को मार के, जो कि बहुत ही खतरनाक है, अपने केडी वगैरह को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे इस लोकेशन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से आकर के यहाँ पे बॉट को मार के केडी बढ़ा सकते हो। जी हाँ, मुझे पता है तुम बॉट हो, ठीक है, दिल पे मत लेना, मैं बॉट हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस लोकेशन पे आके जो मस्ती करना है दोस्तों, और यहाँ पे बॉट वगैरह को मारना है, मैं तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोग का एक नया एटीवी बाइक, जी हाँ एटीवी बाइक ही बोलते हैं, इसका भी लीक्स मैंने आपको बहुत पहले दिखाया था, गेम फॉर पीस के अंदर से ये लिया गया, जी हाँ। एंड ये बीटा वर्जन के अंदर ऐड हो चुका है नूसा मैप के अंदर। तो ये एटीवी बाइक बहुत ही कमाल का, इसके ऊपर आप लोग दो बंदे एक साथ बैठ सकते हो और भाई जहां मन चाहो वहां चढ़ा सकते हो इसको। तो भाई बहुत ही कमाल का व्हीकल है, जी हाँ, मेरे को काफी ज्यादा मस्त लगा और ये ऐड कर दिया गया। ये स्पेशली के लिए एक्सक्लूसिव दोस्तों इस मैप के लिए, नूसा मैप के लिए बनाया गया, देख पा रहे हो। अब वीडियो में आगे बढ़ू उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इस लीक्स को हमारे साथ शेयर किया ऑल अबाउट टेक ने, तो उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों अगला जो अपना फीचर है वो है दोस्तों ऑटो रिकॉल का, जी हाँ। अगर आप यहाँ पे दोस्तों नॉक हो जाते हो या आप यहाँ पे मर जाते हो, तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसे ही फिनिश हो गए, जी हाँ, तो फिनिश हो गए तो दोस्तों आप लोगों के सामने ना एक यहाँ पे जो एक तरीके से कह लो कि टाइमर चलेगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैं फिनिश हूँ और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 15 सेकंड का टाइमिंग चलता है। वन जैसे होगा तो आप लोग देख पा रहे हो कि एक हेलीकॉप्टर आता है, जी हाँ, और यहाँ पे आप लोगों को जो एक और चांस दिया जाता है कि आप मैप के अंदर फिर से उतरो एंड यहाँ पे अपने टीममेट के साथ जो वो आप यहाँ पे फाइट ले सकते हो। ये दोस्तों आप लोगों का सोलो में वर्क नहीं करेगा, जी हाँ, आप लोगों को यहाँ पे ऑटो मैच मेकिंग ऑन करके यहाँ पे आप लोगों को स्क्वाड में ही खेलना पड़ेगा, जी हाँ। तो काफी इंटरेस्टिंग है भाई, यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जी हाँ। तो आप लोग को ये सारा फीचर्स कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइएगा भाई, मेरे को तो सारा ही फीचर एक से बढ़ के एक लगा। अब आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को रैंगल के बारे में भी, रैंगल के अंदर जो भी नई चीजें आई है उसके बारे में मैं आपको मेरी वीडियोस के थ्रू जरूर से बताऊंगा। तो चैनल के साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और मैं आपसे मिलूंगा किसी न्यू रिसाइडिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय।